बसमैल मेरा नाम मुनीफ़ फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनी फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा बेलाइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए इजाजत चाहता हूँ चंद दोस्तों ने कल एतराज़ किया कि बड़ी लेट हो रही है वीडियोज़ बस कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब दिन में दो वीडियोज़ का इनशाला जो सिलसिला जहाँ से टूटा था इन हम उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं अब जनाब आपके सामने मामला और हालात में रख देता हूँ एक तो ये कि कुछ दिनों से मैं जब आपके सामने बात करता हूँ तो मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि ये जो नए नए तमाशे हैं या नई नई एकसात हैं वो ज़रूर आएंगी तो आपके सामने कुछ ऐसी एकसात का जिक्र करते हैं एक तो ये कि आपको पता है जब नौ मई वाक़ हुआ था उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हकूमत थी शरीफ शहबाज़ शरीफ साहब की हकूमत थी कौमी सलामती कमेटी के उसके बाद अजलास भी हुआ सब कुछ हो गया लेकिन एक गुजशतर रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कैबिनेट डिवीजन की जानब से जिसमें कहा गया जी कि एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जो इंसान नौ मई के वाक़ के हवाले से कुछ चीज़ों के ऊपर जायजे लेगी और उसके हवाले से अपनी रिकमेंडेशन चौदह दिन के अंदर देगी या क्या करेगी अब उसकी ज़रूरत क्यों पेश है उसका बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसका मकसद क्या है बेसिकली क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस महीने के अंदर बहुत सी चीज़ें डिसाइसिव होंगी फैसला कौन होंगी जो अगर कोई तंगी आनी है किसी के ऊपर या मजीद तंगी आनी है तो वो भी इसी महीने के अंदर होगी साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो कमेटी जो सेनेट के अंदर करारदाद पेश की गई उसके ऊपर अब ज़रा ये बताते हैं कि नहीं पहले तो आ गया था कि नहीं जी इंतबाब वक्त पर होंगे लेकिन अब ये उस पर इजलास बुला लिया इजलास बुलाना ठीक है उसकी अहमियत यह इजलास सारों को बुला के उसको रद्द कर देंगे कि नहीं जी मुल्क में कोई ऐसे हालात नहीं है और इलेक्शन अपने वक्त यानी आठ फरवरी को ही होंगे या फिर उसके अंदर कुछ और भी हो सकता है आ, मेरा ख्याल में ये सोच समझ कर ही इजलास बुलाया गया है कि इसको हालांकि उसकी अहमियत इसलिए नहीं कि तमाम बड़ी जमातें पी एम एल एन पी टी आई पीपल्स पार्टी सारी जमातों ने ये जो बड़ी मुल्क की सियासी जमातें हैं इन सब ने कहा कि नहीं जी इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए और किसी ने अहमियत भी नहीं दी बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जी चौदह सेनेटर्स का टोटल उस दिन मौजूदगी थी दस बारह ने उसके अंदर फिर उसको कसरत राय से मंजूर करवाया तो उसकी अहमियत क्या है लेकिन लेकिन ये क्यों बुलाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा गया कि इजलास बुलाया जा रहा है इसकी अहमियत वो जान सकते हैं लेकिन ये आज दिलावर खान साहब कह रहे हैं जिन्होंने कल ये क्रारदादा पेश की कि नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं कहा था मंदा कह देना आप बादशाह लोग हैं आप किसी ने नहीं, नहीं कहा था आपको या फिर किसी ने कहा और आप नहीं बता सकते चले मैं इसको इसी पर रख लेता हूँ एक तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं जी और आ, आपने देख ही लिया कि जो आ, फवाद चौधरी साहब के कागजात नाम नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए अब वो वााहल भी करार दे दिए गए क्योंकि उन्होंने हकायक छुपाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब उनको भी इस बुनियाद पर कहा गया जी कि उन्होंने कहीं उनके जाली दस्तखत हैं जी कहीं कोई ई फॉर्म नहीं है जी ये नहीं है वो नहीं है मतलब कोई नाकूजर बनाकर अब वो उनके उनको नााहल करार दिया गया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानब से अब जारी बात है वो इसको चैलेंज ऊपर कर सकते हैं ले जा सकते हैं ऊपर की अदालतों के अंदर लेकिन ऊपर की अदालत के अंदर लेकिन बहरहाल वो एक सिलसिला तो आपको पता है जो हमारे मुल्क में इस वक्त हालात मामला और वाक़ात चल रहे हैं उसके हवाले से क्या हो रहा है अच्छा मैं आपको ये बता दूँ जनाब कि एक ये जो जहाँ सब कुछ हो रहा है ना वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जरूर मरियम औरंगजेब साहबा का बयान आया कि नहीं जी जो बातें कर रहे हैं वो अंदाजे लगा रहे हैं मसला ये जरूर है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कि जी जो डाई हार्ड वर्कर है पुराना सपोर्टर है जिसने रगड़ा खाया है वो कहता है जी टिकट हमारा हक है हमें मिलना चाहिए आपने अगर पी डीएम की हुकूमत बना ली थी और उस वक्त कुछ जो टर्न कोर्ट्स थे जिन्हें हम लोटे कहते हैं आम शायद में उनसे फायदे ले लिए या उनको अपने साथ में लाने की कोशिश की है जो कुछ भी किया तो इसका मकसद ये तो नहीं है कि पीएमएलएन के जो डाई हार्ड वर्कर हैं पुराने लोग हैं उनको रगड़ा लगे और यह रगड़ा अभी तक लग रहा है और उनमें जो सबसे बड़ी मिसाल है वो तलाल चौधरी साहब की है और तलाल चौधरी साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मियां नवाशीफ साहब जब वापस तशीफ लाएँगे तो उनको यानी तलाल चौधरी को जड़ा जड़ावाला की सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट पी देगी लेकिन तलाल चौधरी को नहीं मिला अब यहीं से बात अगर शुरू कर ली जाए तो तलाल चौधरी साहब को अभी तक नहीं मिला वहाँ नवाब वसीर साहब की बात की जा रही है शेर वसीर साहब की तो तलाल चौधरी साहब का ये है कि नहीं मैंने तो रगड़ा खाया है मेरे तो यहाँ बाकायदा तौर पर मैंने इतना बुरा रगड़ा खाया है कि मैं पाँच साल के लिए पार्लमानी सियासत के लिए नायल हुआ मैं मियाँ नवाज शरीफ को हर जगह जाकर डिफेंड करता रहा पार्टी को करता रहा मरियम बीबी को करता रहा तो मेरा तो ये हक़ बनता है तो ये लड़ाई अब वहाँ पर मौजूद है और पी एम एल एन की क्यादत को भी अगर असूली तौर पर देखा जाए सियासत के अंदर वैसे उसूल तो बालाय ताक रख दिए है, जाते हैं कन्वीनियंस या क्या चीज़ फेवर सूट कर रही है इस वक्त उसको सामने रखा जाता है तो पी एम एल एन की ए, क्यादत को भी सोचना चाहिए कि जो पुराने लोग हैं उनको उनका हक़ हाँ बनता है और उनको मिलना चाहिए सब कुछ सपोर्ट भी मिलनी चाहिए और उनको टिकट भी मिलने चाहिए बहर अब जनाब मैं आता हूँ कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं ये आपको लगेगा ऐसे कि ये बड़ी टेक्निकल बुनियादों पर या अब जैसे कि फवाद चौधरी साहब के कागजात नामजदगी इसलिए की थी कि उन्होंने अपनी अहलिया के बाहर जाने वाले दौरे छुपाए या उन्होंने अपनी कोई और चीज़ें छुपाई अब ज़ाहरी बात है अगर इन्हीं बुनियादों पर लोगों को पार्लिमानी सियासत के लिए ताहा यात नायल किया गया है इसे या कुछ चीज़ें या डिटेल्स छुपाने तो यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी यही करेगा और ये चीज़ें ऐसे ही होंगी लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सर नजर कर दिया जाता है अगर हालात और वाक्यात आपकी फेवर में हो तो लेकिन जब आप हवा पानी के बहाव के अगेंस्ट तैर रहे हो, फिर आपकी छोटी सी गलती भी माफ़ नहीं की जाती जाती और पाकिस्तान इंसाफ के लोगों के साथ आजकल यही हो रहा है पी टी आई अपनी तमाम तर कोशिश अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद अपनी तमाम तर जिसे इलेक्टोरल सपोर्ट वो कहते हैं जी हमारे पास बहुत है सब कुछ है जिसका टेस्ट अब दोबारा होना बाकी है उसके बावजूद पी टी आई रगड़े में है और रगड़े में ही रहेगी आज की तारीख आज, आज का आज का फैसला तो यही है कि वो रगड़े में ही रहेंगे और रिसीविंग एंड पे ही रहेंगे और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फील्ड डे मिलना चाह मिलने जा रहा है फील्ड डे क्या होगा कि वो कहते हैं ना सुनिया हो जान गलियाँ तो मिर्ज़ा यार फिरे तो मुझे लगता है पीएमएलएन एम एल का भी यही होने जा रहा है कि गलियाँ सुनी हो जाएंगी और पीएमएलएन धाड़ती फिरेगी जी पंजाब के अंदर ख़ासतौर पर देखे जी हमने कैसे इलेक्शन निकाला है और हम जीत गए मतलब ये उनकी सोच है या ये चंद करम फरमाओं की जहन में भी शायद ये बात हो लेकिन ये हो पाती है नहीं हो पाती ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा देखिए एक आ, कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ डिसाइसिव फैसला कौन यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि बस अब ज़रूरत है उसकी और वो होगी ये एक नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया ये कैबिनेट डिवीजन ने जारी किया है जी और इसके अंदर कहा गया है जी कि एक कमेटी बनी है कैबिनेट कमेटी ऑन नाइन्थ नौ मई दो हज़ार तेईस के वाक़ात के ऊपर और इस कमेटी के अंदर कौन लोग शामिल हैं कन्वीनर हैं जी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ़ इंटीरियर आजकल वो काकर साहब के पास ही पोर्टफोलियो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मुरसा सुलंघी साहब मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनी कोऑप्टेड मेंबर टू एड्रेस एनी इशू एमिनेटिंग ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी यानी कि इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान भी आ सकते हैं या नुमाइंदे आ सकते हैं उनको अगर बुलाया जाए हाँ अब ये इस कमेटी ने करना क्या है ज़रा तो ये सोचेंगे तो आपको फौरी तौर पर क्लिक कर देगा कि इस कमेटी ने बेसिकली करना क्या है नौ मई हुआ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस दौर में अगर यह नोटिफिकेशन आता तो बात समझ भी आती कि जी ये इनका तदारुक करने के लिए ये सब कुछ किया गया कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई समझ आती है कि जी ठीक है ये हुकूमत ने रियासत ने फैसला किया कि नौ मई के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ना और वाकई नहीं छोड़ना चाहिए कानून के मुताबिक नहीं छोड़ना चाहिए किसी को अगर किसी ने जुर्म किया है निगरान हुकूमत आ गई निगरान हुकूमत को आए हुए भी महीने गुजर गए आज ये नोटिफिकेशन आता है और ये कमेटी बनाई जाती है इसकी जरूरत क्यों पेश आई इसकी जरूरत इसलिए पेश आई है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे बहुत बड़ी रुकावट एक क्रिएट हो तहरीक इंसाफ के जो वो लोग जिन्होंने नौ मई के अंदर प्लानिंग की जिन्होंने नौ मई के अंदर अपना हिस्सा डाला उनको मज़ीद उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए किया गया क्योंकि जब आप टर्म ऑफ रेफरेंस सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जिसमें कहा गया है जी ये कमेटी क्या करेगी उन वाकियात को इवेंट्स को उनको उनका जायजा लेगी जिनकी वजह से जिन से जुड़ के जिनसे लीडिंग अप टू दी जो वहाँ से मामला शुरू हुए उन हालात से जो इमरान खान साहब के हवाले से हम कहते हैं जी पूरा वो एक माहौल बन रहा था जिनकी वजह से नौ मई हुआ और ये जहन में रखते हुए कि जो उन लोगों की शनाख्त उनमें जो मास्टर माइंड था यानी जो सरगना था उस प्लानिंग का वो प्लानर्स जिन्होंने मावनत की बीच में प्लानिंग मावनत करने वाले यानी कि जिन्होंने बीच में मदद की और जिन्होंने ये काम किया नौ मई का उनके उनकी एनालाइज किया जाएगा टू तो एनालाइज द काजेज एंड डिटर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये सबसे अहम वजूहत नौ मई क्यों हुआ और ये सब जो लोग प्लानिंग मास्टर माइंड मुआवनत और जिन्होंने जुर्म किया एक्म्प्लिस क्रिमिनल लॉ की टर्म्स है दोनों यानी जुर्म करने वाला और जुर्म में जुर्मनत करने वाला दोनों को सबको और जिसने प्लानिंग की उसने भी घर में बैठे हुए भी जिसने प्लानिंग की उसको भी और आगे कहा जाता है कि इसकी वजूहत कि ये क्यों किया गया और जिम्मेदारी डालने के लिए कि ये किसकी जिम्मेदारी बनती है ये वाक़ करवाने की टू एवेल्यूएट देयर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन्स जो मुस्तकबिल करीब के अंदर और और मुस्तबिल को जो आगे है उसमें ये डिटर्मिन करने के लिए कि इसके हालात वाक़ इन इवेंट्स के क्या होंगे इनके असरात क्या होंगे ये भी Uh, इसको भी एवेल्यूएट किया जाएगा टू सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स टू इन्श्योर दैट सच अ ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट रिपीटेड। ऐसे ऐसे uh, इकदाम लिए जाएँ कि इस तरह की कौमी सलामती की जो धजियाँ उड़ाई गई जिसको पूरी रियासत पाकिस्तान की फौज समझती है कि कौमी सलामती के ऊपर हमला था और यह पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला था इसका तदारक करने के लिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात ना हों ऐसे चीजों को सजेस्ट किया जाएगा और रेकमेंड मेजर्स टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग लीगल रिजीम टू डिटर यानी कि आने वाले वक्त में जो ऐसे काम मसाल हैं इनको दूर करने के लिए कानूनी निजाम को मजीद पुख्ता बनाया जाएगा फ्रेंकली आजकल के दौर में पार्लियामेंट सेशन में नहीं है नेशनल असम्बली नहीं है तो कानून साजी तो हो नहीं सकती ऑर्डिनेंस जरूर आ सकते हैं वो सदर साहब तो आपको पता है वो वैसे ही बैठे हुए हैं अब आगे लिखा है नहीं कि जो हाकि वजे दा, वजारत दाखिला है वो सपोर्ट देगी सकटरी सपोर्ट यानी कि वहाँ पर ये मीटिंग्स होंगी और जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी काबीना को चौदह दिन के अंदर अब इन चौदह दिनों के अंदर ये रिपोर्ट और अभी अभी कितने दिन रहते हैं इंतखबा में आज तकरीबन बत्तीस दिन रहते हैं जी अब ये चौदह दिनों के अंदर अंदर मुझे चौदह दिन नहीं पहली रिपोर्ट आ जाएगी बाद में ये रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद आप देखेंगे कि उस रिपोर्ट की रोशनी में ब्लैंकेट यानी कवर दिया जाएगा बाकायदा तौर पर कि ये 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 लोग इनको तमाम तरह इन पर पाबंदियाँ हैं रियासत ने पाबंदियाँ लगा दी हैं रियासत ने ये कानून जारी किया गया है ऑर्डीनन्स की सूरत में और ये पाबंदी लगने जा रही है जो मुझे इसमें समझ आती है जो लॉजिक समझ आती है और मैं दोबारा कहूँगा बैसीत एक साफ यह ख़बर भी है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ये उसकी पेशबंदी है और ये आपको 20 तारीख बीस बाईस तारीख तक ये सारा सिलसिला आपको पता लगेगा कि इसमें ये होगा हाँ इस नोटिफिकेशन को कल कोई अदालत ले जाए और कहे जी नहीं जी ये कमेटी नहीं ठीक ये क्यों कर रहे हैं इनकी क्या वजह है फलान है वो और बात है लेकिन अभी अगर कमेटी ये अपना काम कर देती है तो आप पे जेहन में रखिए कि इमरान खान साहब टॉप टेर के लोग जो इस वक्त कहीं भागे हुए भी हैं सब कुछ उन सबको इस बीच में इनके नाम शामिल कर लिया जाएंगे और कहा जाएगा जी कि ये लोग तो इनके पास तो इसका ही नहीं है किसी तरह का मुल्क के अंदर कोई ना इंतखब लड़ सकते हैं ना इनका कोई बैंक अकाउंट खोलना चाहिए जी ना इनको मुल्क के उनके कईयों के तो आपको पता है, आई कार्ड ब्लॉक हुए है। हुए हैं कईयों की प्रॉपर्टी जब्त हुई हैं बदकस्मती है मैं बदकस्मती इसलिए कहता हूँ मेरा कोई हमदर्दी नहीं है उस शख्स से मेरी कोई हमदर्दी नहीं जिसने जुर्म किया हुआ है लेकिन मैं बहसीत एक इंसान मैं बार बार आप सबको कहता हूँ कि मैं मेरी ये ख्वाहिश भी होती है कि यार किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए ये सब सियासतदान थे और मैं आज तक भी जब तक किसी पर जुर्म साबित नहीं होता मैं किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा ना मैंने पहले कहा ना मैं आज कह रहा हूँ ना मैं आगे कहूँगा साबित करें कानून के मुताबिक फिर आप कहें कि जी इस बंदे ने यह जुर्म किया लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये तमाम लोग इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के शहरी ये नहीं है आ, दु, मुल्क दुश्मन ये बड़ी बड़ बड़ा लेबल होता है अगर किसी पर लगा दिया जाए गद्दार मुल्क दुश्मन ये सबको बहरहाल ये कहने की बात है सोचने समझने की बात है बहरहाल जनाब ये सीधा है मामला मामला है और ये वाक़ है इनशाला रात को आपसे फिर मुलाकात होगी यानी रात को जो हम ब्लॉग करेंगे वो आपको फिर जल्दी अपलोड हम करके देंगे इनशाला इस व्लाग को सुनने का बहुत शुक्रिया देखने का बहुत शुक्रिया और इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा आप सबके खलूस का हमेशा इंतज़ार रहता है बहुत शुक्रिया